जिस्म फरोशी का धंधा एक ऐसा धंधा है जो वबा की सूरत में आम हो गया है। जिस्म फरोशी एक ऐसा मजमून कारोबार है जिसका नाम लेते हुए हर शरीफ और बाइज्जत इंसान की नजरें शर्म से झुक जाती हैं। लेकिन शर्मिंदगी की बात तो ये है कि पूरे मुल्क में, हर शहर में, तकरीबन हर मोहल्ले में ये धंधा किसी न किसी सूरत चल रहा है। इस धंधे से मुंसलिक अफराद न सिर्फ मौजूदा मुआशरे में खराबी का बायस हैं, बल्कि नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को भी तबाह कर रहे हैं। लड़कियों को सुहाने ख्वाब दिखाकर फरोख्त कर दिया जाता है, ऐसा ही कुछ इस कहानी में है। ये कहानी एक गरीब बेसहारा लड़की महविश की है। महविश बिलाल का ताल्लुक फैसलाबाद के पसमानदा इलाके से था। महविश बिलाल अपने शौहर का घर छोड़ चुकी थी, उसके बाद उसकी माँ ने भी उसका साथ न दिया। महविश बेबस बेसहारा काम की तलाश में थी। वो चाहती थी कि उसे कोई सहारा मिल जाए ताकि वो अपना पेट पाल सके। एक दिन महविश एक कौसर नामी औरत के साथ बैठी बातें कर रही थी। महविश ने कौसर से उसके लिए कोई काम ढूंढने का कहा। कौसर एक निहायत ही मक्कार औरत थी। कौसर महविश की बेबसी की वजह से उसे अपनी मीठी मीठी बातों से जाल में फंसने लगी। कौसर ने महविश को यकीन दिलाया कि वो उसे अपने साथ कराची ले जाकर काम दिलवा देगी, मगर किसे पता था कि आखिर कौन सा काम दिलवाने की बात हो रही है। कौसर का ताल्लुक एक बुर्दा फरोश से था। वो एक निहायत ही चालाक और मक्कार औरत थी। वो हमेशा ऐसी लड़कियों का शिकार करती थी जो गुर्बत और मुफलसी का शिकार हों। वो लड़कियों को सुहाने ख्वाब दिखाकर उन्हें जिस्म फरोशी के लिए फरोख्त कर देती थी। जब महविश को सहारे की जरूरत थी तो कौसर लंगड़ी की बातें उसे किसी फरिश्ते से कम नहीं लगती थी। उसने कौसर की बातों में अपने लिए एहसास महसूस किया तो उसने कौसर को अपनी दोस्त की परेशानी भी बताई और कहा कि वो उसे भी साथ ले जाना चाहती है ताकि दोनों दोस्तें साथ नौकरी करें और कुछ कमा सकें। कौसर ने उसे अपनी दोस्त से मिलवाने का कहा। जब अगले दिन महविश ने अपनी दोस्त को कौसर से मिलवाया तो कौसर ने उसे भी अपनी बातों में फांस लिया और दोनों दोस्तों को अपने साथ कराची ले जाने पर राजी कर लिया। अब कौसर दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि वो सिर्फ एक शिकार के लिए आई थी और उसे दो शिकार मिल गए। उसे अपने पैसों से मतलब था, एक की जगह उसे दो के पैसे मिलने थे और ये बात सोचकर वो बेहद खुश थी। दूसरी तरफ वो बिचारी लड़कियां अपनी गरीबी मिटाने के लिए नौकरी का बंदोबस्त होने की वजह से खुश थी। उन्हें कौसर के काम की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि कौसर उन्हें कोई काम नहीं बल्कि किसी को फरोख्त करने वाली थी। अगले दिन मासूम लड़कियां कौसर के साथ लाहौर से कराची जाने के लिए ट्रेन में सवार हो गईं। इस तरह की बेबस, गुर्बत और मुफलसी के हालात का शिकार लड़कियां, जिनको सहारे की जरूरत होती है, वो कुछ भी कर सकती हैं। जाहिरी तौर पर कौसर उनकी मदद कर रही थी और एहसास कर रही थी, लेकिन दिल ही दिल में वो अपने फायदे के लिए खुश हो रही थी। कराची पहुंचकर लड़कियां कराची की इमारतें देखकर अपने मुस्तकबिल के बहुत सारे ख्वाब बुनने लगीं। इब्तदा में कौसर लंगड़ी ने उन दोनों को बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह रखा, उनकी ख्वाहिशात का भी ख्याल रख रही थी और उनके साथ बेहद अच्छा रवैया रखती थी, जिससे उन दोनों दोस्तों को कौसर पर कभी भी शक नहीं हुआ। कौसर ने उनके खाने पीने और हर तरह से ख्याल रखकर उनको आहिस्ता आहिस्ता अपने एतमाद में ले लिया और इसी तरह अपने एतमाद में लेने के बाद एक दिन वो उन दोनों दोस्तों को जब्बार के अड्डे पर ले गई। जब्बार कौसर जैसी कई औरतों से लड़कियां खरीद कर उनसे जिस्म फरोशी का काम करवाता था। जब्बार का पूरा एक अड्डा था जिसमें और भी लड़कियां थीं। जब्बार दोनों लड़कियों को बुरी नजर से देखने लगा और दिल ही दिल में पैसों की हवस रखते हुए अपने ख्वाब बुनने लगा। जब्बार के घर में दोनों लड़कियां वहां मौजूद लोगों को देखकर परेशान हो गईं। कौसर ने जब्बार से लड़कियों का ख्याल रखने और खाने पीने का इंतजाम करने का कहा ताकि लड़कियों को शक न हो कि वो उनसे किस किस्म का काम करवाने वाले हैं। फिर जब्बार ने रानी नामी औरत को आवाज देकर लड़कियों को साथ ले जाने का कहा। रानी भी पेशावर जिस्म फरोश थी और वो काफी अरसे से ये काम कर रही थी। जब्बार के अड्डे पर रानी का काम ही यही था कि वो हर नई आने वाली लड़की को ट्रेन करती और जल्द अज जल्द उसे काम के लिए तैयार करती थी। रानी इस काम में बहुत महारत रखती थी और ये इसके बाएं हाथ का खेल था।
फिर रानी उन्हें कमरे में ले गई और उन्हें निहायत ही मक्कारी की नजर से देखने लगी। लड़कियां परेशान होकर पूछने लगी कि हमें क्या काम करना होगा और कब काम मिलेगा, जिस पर रानी ने उन्हें कहा कि काम मिल जाएगा। मासूम लड़कियां यही सोचने लगी कि वो आखिर क्या काम करेंगी। दूसरी तरफ कौसर और जब्बार ठट्ठेबाजी करते हुए अपने नए शिकार की प्लानिंग करने लगे। कौसर लंगड़ी ने दोनों सहेलियों का सौदा जब्बार के अड्डे पर कर दिया और अपनी कीमत ले ली और नए शिकार की तलाश शुरू कर दी। दोनों सहेलियां जो कि ये सोचकर आई थीं कि कौसर उनकी मदद कर रही है और उन्हें काम दिलाएगी, मगर बदनसीब बेचारी लड़कियां जब्बार के पास जिस्म फरोशी के लिए फरोख्त हो गईं। सारे सुहाने ख्वाब चकनाचूर हो गए। इसीलिए कहते हैं कि अपने माँ बाप के अलावा किसी पे एतबार नहीं करना चाहिए, हमेशा सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। किसी अनजान पर ऐसे ही आराम से यकीन हरगिज़ मत करें।